स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 7, -9 एंड 11, 3 लाई ऑन अ सेंटर विद सेंटर एट ओरिजिन, ऑल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन। तो देखिए एक हमारे पास सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर हमने ओ मान लिया और ये क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, ठीक है। और इस पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक 7, -9 और एक है 11, 3। तो देखिए एक हम यहां ले ले रहे हैं और एक हम यहां ले ले रहे हैं, हमें कोई एक फिक्स पोजिशन नहीं पता है कि कहां पर है ये पॉइंट, लेकिन लाई वो सर्कमफ्रेंस पर ही कर रहे हैं, जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसी पर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये आपका OA और ये आपका हो गया OE, OB। अब देखिए A है हमारा 7, -9, B है हमारा 11, 3। If both points A 7, -9 and B 11, 3 lying on the circle with सेंटर एट ओरिजिन, देन द डिस्टेंस बिटवीन between center and other two points will be same। That means क्या होगा कि अगर देखिए ये दोनों पॉइंट अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी, वो रेडियस के इक्वल होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये भी आपका क्या है, रेडियस है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू R is equal to OA is equal to OB, ये आपका होना चाहिए, ठीक है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन वन। तो देखिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम OB, OA कैलकुलेट करेंगे। तो OA अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए OA में O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 0, O के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 7 -0 होल स्क्वायर प्लस और ये आपका -9 -0 होल स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये आपको मिल जाएगा √49 + 81। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 130, ठीक है, अंडर रूट 130। अब सिमिलरली ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये आपका हो जाएगा 11 -0 होल स्क्वायर प्लस 3 -0 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट
121 प्लस 9, तो ये भी आपका आ जाएगा अंडर रूट 130, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओरिजिन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 130 का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130। तो बस ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आपका फाइनल आंसर है।